अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अब्दुल मोइज अहमद एंड यू आर वाचिंग मोइज टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लैक्स के बारे में टॉप 9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हर किस्म की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल कर सकें। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में सिर्फ 4 ही झंडे हैं जो फायर आर्म्स यानी आतशी असले को फीचर करते हैं। दोस्तों, जब आप इन झंडों को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इनके बनने की क्या वजूहत हैं। नंबर 1, फ्लैग ऑफ मोजम्बिक। दोस्तों, मोजम्बिक के झंडे में AK-47 को एक किताब के ऊपर फार्मिंग मटोक के साथ क्रॉस किया गया है। मोजम्बिक का झंडा यकम मई 1983 को अपनाया गया था और इस राइफल का इस्तेमाल कंट्री की डिफेंस और विजिलेंस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, फ्लैग ऑफ ग्वाटेमाला। दोस्तों, ग्वाटेमाला के झंडे में एक किताब के पीछे 2 क्रॉस राइफल दिखाई गई हैं, जो मुल्की हैसियत से अपने आप को दिफा करने की नुमाइंदगी करती हैं। ग्वाटेमाला का झंडा 1871 में अपनाया गया था। नंबर 3, हाइटी। हाइटी के परचम पर आछी असले की नुमाइंदगी मोजम्बिक और ग्वाटेमाला से बहुत मुख्तलिफ है। राइफल्स को अबूर करने के बजाय इन्हें सबज पहाड़ी की चोटी पर ट्रॉफी के तौर पर पेश किया गया है। ये इनकी आज़ादी की अलामत है और ये परचम उन्होंने 26 फरवरी 1986 से इस्तेमाल करना शुरू किया था। फैक्ट नंबर 8, द न्यूएस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया का सबसे नया झंडा साउथ सूडान का है, जो 9 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ये इनके सेकंड सिविल वार के बाद मनाया गया था। ताहम ये झंडा 2005 में ही डिज़ाइन कर लिया गया था, लेकिन इस वक्त तक इसे सरकारी नहीं बनाया गया था, जब तक के 2011 में जनूबी स्वाडन ने आज़ादी हासिल नहीं की थी। ये फ्लैग ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू और येलो स्टार सिंबल से बना हुआ है। फ्लैग पर 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। बाईं तरफ ब्लू कलर का ट्राइंगल है, जिसके अंदर येलो कलर का स्टार है। साउथ सूडान के लिए रेड कलर अपने मुल्क की आज़ादी हासिल करने के लिए बहाए जाने वाले खून की नुमाइंदगी करता है। ग्रीन कलर फितरत और मुल्कों से कुदरती दौलत की नुमाइंदगी करता है और स्याह रंग लोगों की नुमाइंदगी करता है। नीला रंग दरिया नील की अलामत है और इसमें बैठा हुआ येलो स्टार इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। हर कलर के दरमियान एक सफ़ेद पट्टी है जो अमन को रिप्रेजेंट करती है। फैक्ट नंबर 7, द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, झंडे सैकड़ों सालों से इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन ममालिक तरक्की करते वक्त इसे हमेशा बदलते रहे हैं। ताहम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तकिल इस्तेमाल होने वाला मुल्की झंडा डेनमार्क का है। उफकी तौर पर वस्त के दरमियान में एक सफ़ेद पट्टी है, जिसके साथ सुरख पसे मंजर का इस्तेमाल पहले 1625 में हुआ था और आज भी वही है। ताहम ये डिज़ाइन खुद 1219 में तैयार किया गया था। डेनमार्क में इसे डैनब्रोक कहा जाता है, जिसका मतलब डैनिश क्लोथ है। फैक्ट नंबर 6, मोस्ट कलरफुल फ्लैग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, बिलाइज का फ्लैग दुनिया का सबसे कलरफुल फ्लैग है। ताहम इस फ्लैग के टोटल कलर्स 12 हैं, जो कि इसे मोस्ट कलरफुल फ्लैग बना देते हैं। झंडा नीले रंग का है, जिसके बीच में एक सफ़ेद दायरा है जिसमें एक क्रेस्ट है, और झंडे के टॉप और बॉटम में रेड बैंड्स हैं। सेंटर में मौजूद क्रेस्ट में 2 इंसानों को हथियार थामे हुए दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 5, द रेयरेस्ट कलर टू बी यूज ऑन अ फ्लैग। सबसे गैर मामूली रंग जो परचम पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो पर्पल है। यह सिर्फ दुनिया के 2 झंडों पर इस्तेमाल हुआ है। पर्पल कलर अक्सर शाही या दौलत की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा ये हैरत की बात होगी कि आज इसका इस्तेमाल ज़्यादा झंडों पर नहीं होता है। यह निकारागुआ और डोमिनिका के फ्लैग्स पर पाया जा सकता है। सिर्फ 2 फ्लैग्स पर ही इस्तेमाल होने की वजह यह है कि जामनी रंग पूरी तारीख में हमेशा से महंगा होता है और इसे थामना मुश्किल होता है, इसीलिए बाकी तमाम कलर ज़्यादा फेवरेबल हैं। फैक्ट नंबर 4, द कलर्स ऑफ फ्लैग्स आल्सो रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। दुनिया के बेशतर झंडे सिमिलर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू और येलो हैं, लेकिन यहाँ कुछ यूनिक कलर्स भी आते हैं। नंबर 1, रेड। रेड कलर को बुरी चीज़ों से जोड़ा जा सकता है और यही वजह है कि यह झंडों में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पुर्तगाल अपने मुल्क को बरकरार रखने के लिए जंग में खोए हुए खून की नुमाइंदगी के लिए सुर्ख रंग का इस्तेमाल करता है, जबकि मोरक्को अपने मुल्क की आवाम की स्ट्रेंथ और ब्रेवरी के लिए रेड कलर को इस्तेमाल करता है। नंबर 2, ब्लू कलर। आम ऐसे कुछ लोगों को लगता होगा कि नीला रंग झंडों पर आसमान और समुंदर की नुमाइंदगी करेगा, लेकिन नीले रंग के इस्तेमाल के गहरे मायने भी हो सकते हैं और ये आज़ादी और अमन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3, येलो और गोल्ड कलर। कई सालों से गोल्ड और येलो कलर दौलत और तवानाई को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक सन से भी किया जा सकता है। ग्रीन कलर, ज़्यादातर झंडों में सब्ज़ रंग इसकी ज़रात की नुमाइंदगी करता है।
हालांकि इसे उम्मीद और जवानी की अलामत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लैक कलर, ये इतना आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब ये होता है तो इसे नस्ली वरसा, दुश्मनों की शिकस्त या किसी मुल्क के अजम की अलामत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मौत और शोक की अलामत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि अलामतों के आमतौर पर झंडों पर इस्तेमाल के खास मायने होते हैं? बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो फ्लैग्स पर इस्तेमाल होते हैं। इन अलामत में से कुछ के हर मुल्क के लिए अहम मायने होते हैं। नंबर 1, स्टार एंड मून क्रिसेंट। फ्लैग्स की अलामत के तौर पर इसे सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया ने इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसे बहुत से इस्लामी ममालिक जैसे पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, ट्यूनस और मलेशिया इस्तेमाल करते हैं। स्टार और मून क्रिसेंट एक ऐसी अलामत है जो इस्लाम की नुमाइंदगी करती है। इस मजहब की पैरवी करने वाले सारे ममालिक अपने परचम पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, क्रॉस। ये बहुत से झंडों पर जाहिर होता है और अक्सर ईसाइयत की नुमाइंदगी करने के लिए मजहब से वापस जुड़ जाता है। इसको इंग्लैंड, जॉर्जिया, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के फ्लैग्स पर देखा जा सकता है। ईसाइयत की नुमाइंदगी के लिए और भी बहुत सी अलामत होती हैं, लेकिन सलीब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नंबर 3, एनिमल्स। कुछ कंट्रीज अपने नेशनल बर्ड को अपने फ्लैग्स पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे इक्वाडोर का झंडा है जिस पर एंडीज का एक बर्ड है जिसे कॉन्डोर कहा जाता है। दूसरे ममालिक हिम्मत और ताकत की नुमाइंदगी करने के लिए शेर जैसे खौफनाक जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जो ख्याली जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेल्स का झंडा जिस पर ड्रैगन है और अल्बानिया का झंडा जिस पर डबल हेडेड ईगल है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 स्क्वायर शेप्ड फ्लैग्स हैं? दुनिया के 193 खुद मुख्तार झंडों में से 190 रेक्टेंगुलर हैं, जिसमें से सिर्फ 3 डिफरेंट हैं। ये नेपाल, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी हैं। पहले हर कोई ये नहीं सोचेगा कि वेटिकन सिटी एक अलग मुल्क है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया का सबसे छोटा पहचाना जाने वाला मुल्क है। वेटिकन सिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले झंडे को 7 जून 1929 को अपनाया गया था। यह दुनिया के 2 स्क्वायर शेप्ड फ्लैग्स में से एक है और हाफ येलो और गोल्ड है और हाफ वाइट है। दुनिया का दूसरा स्क्वायर शेप्ड फ्लैग स्विट्जरलैंड का है, जो अक्सर रेड क्रॉस के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिकल फ्लैग के साथ उलझन का शिकार हो जाता है। एक रेड स्क्वायर है जिसके बीच में एक सफेद क्रॉस है। यह झंडा 1889 से स्विट्जरलैंड इस्तेमाल कर रहा है। झंडा आजादी और गैरत के नाम का निशान है। व्हाइट क्रॉस ईसाइयत की नुमाइंदगी करता है और रेड कलर का पसे मंजर उनके अकीदे को बरकरार रखने के लिए खोए हुए खून की अलामत है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि नेपाल ही दुनिया में वाहद परचम है जिसके चार अतराफ नहीं होते हैं? फ्लैग 2 ट्रायंगल शेप्स पर मुश्तमिल है, जिनको अक्सर पैनोन और पैनेट कहा जाता है। ये परचम बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर सजा दिए गए हैं। इसे सरकारी तौर पर नेपाल का झंडा 1962 में बनाया गया था। झंडे में सुर्ख रंग का पस मंजर है जो बहादुरी की नुमाइंदगी करता है, और नीले रंग के बैंड का खाका अमन की अलामत है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की मुसीबत से दूर रखे। अल्लाह हाफिज़।